नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी में। जैसा कि हमारा जो है मौसम चेंज हो चुका है, अब सर्दियाँ कहीं ना कहीं चली गई हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हमारी जो स्किन की रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। जो प्रोडक्ट हम विंटर्स में लगाए थे वो हम समय में नहीं लगा सकते हैं, और जब ये मौसम जो चेंज हो रहा है तो हमारी स्किन जो है उसके लिए तैयार होने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करने पड़ते हैं। क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो स्किन के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको इची महसूस होने लगता है, हाइड्रेशन वगैरह रिमूव होने लगता है, स्वेट की प्रॉब्लम होने लगती है और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम जो है अलग अलग स्किन टाइप के लिए होने लगती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी जो आपका होली ग्रेल प्रोडक्ट हो सकता है, आपका लाइफ सेवियर प्रोडक्ट हो सकता है इन गर्मियों में। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो एक्नी का इशूज़ जो है वो भी मेरे लिए बढ़ जाते हैं, तो ये एक्नी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है सिंटेलर एसिड, तो ये जो है आपके लिए सूदिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कि आपके इरिटेशन वगैरह को भी रिमूव करता है। तो आप कहेंगे इतना हाइप बना रहे हो, तो बताओ तो भाई कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अर्थ रिदम के फाइटो जेल के बारे में। तो ये जो है इसके अंदर आपको सिंटेला एसिएटम मिल जाता है, हॉस्टल एक्सट्रैक्ट भी मिल जाता है। ये एक कामिंग, सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग फ्लूड है जो कि आपकी एक्नी प्रोन स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए ही बना हुआ है। तो ये जो है आपकी स्किन को एकदम सूट करता है, अगर आपकी एक्नी वगैरह होती हैं उन पे भी अच्छे से वर्क करता है और काफ़ी अच्छे से ये जो है आपकी स्किन के लिए ट्रीट करता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कि मैं इरिटेशन प्रॉब्लम वगैरह हो रही होती गर्मी में, तो ये काफ़ी अच्छे से उसे वर्क करता है। आप जब इसको यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करके आप महसूस करते हैं कि ये एक जो है आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, आपको एक चेहरे पर ठंडक देता है जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ पैकेजिंग की, तो आउटर पैकेजिंग जो है इसकी नॉर्मल सी आउटर पैकेजिंग है जो कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स टाइप का है, जिसके अंदर जो है आपको मिल जाती है ग्लास बोतल। तो इस ग्लास बोतल के ऊपर लगा हुआ है एक प्लास्टिक का पंप जिससे आप जो है अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ यहाँ पर, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी का है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। आप जब इसको लगाते हैं तो एकदम वॉटरी हो जाता है और ये जो है लाइट ग्रीन कलर का है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है। अगर मैं इसको अपनी फील करने की बात करूँ, तो आप जब इसे लगाते हैं तो इसका जो है एकदम से ठंडा ठंडा महसूस होता है, जैसे कि आपने पेपरमेंट लगा लिया हो। और ये जो है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट की वजह से हो सकता है। तो ये जो है आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा लगाने के बाद कामिंग महसूस करती है और इसको जो है काफ़ी अच्छे से ठंडक मिलती है, तो ये गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इनकी पैकेजिंग की, तो ये जो है 99% रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ओनली 1% जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट को इसमें यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक इसमें 1% है, तो ये जो है इको फ्रेंडली भी हो जाते हैं क्योंकि ये रिसाइकल जो होते हैं। इनके अंदर ग्लास को यूज़ कराए तो वो भी आप रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। ये जो है सारे ही इंग्रीडियंट्स वगैरह जो होते हैं वो एकदम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और कहीं से भी कहीं तक कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं। किसी तरीके के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, हार्श केमिकल जो होते हैं जो इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुँचाते हैं, वो केमिकल्स जो है ये नहीं यूज़ करते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपकी एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। 50 ml की ये जो बोतल है आपको मिल जाती है 749 rupees की। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात हो जाती है क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और हाई एंड ब्रांड्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो यही प्रोडक्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल सकता है। वैसे ये भी चीप नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी जो प्राइस है वो इसकी क्वान्टिटी और क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा गया है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं इसके टॉप 5 इंग्रीडियंट्स की बात करूँ, तो सबसे पहले इसके अंदर यूज़ किया गया डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर जो होता है कि मैं इसका बेस टाइप का है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब इन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो है ग्लिसरीन इसके अंदर यूज़ किया गया। ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और आपकी स्किन जो है स्मूथ होती है। उसके बाद इनमें हॉर्स एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, विच हेजल, तो ये जो है 5 टॉप इंग्रीडियंट्स हैं जो इसके अंदर यूज़ करे गए हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर आपको सिंटेला एसिएटा भी यूज़ किया गया है। तो जो वो सिंटेला एसिएटा होता है वो आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी इरिटेशन वगैरह हो रही होती है उसको रिमूव करता है। सेंसिटिव स्किन होती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आपकी स्किन जो है एकदम काम महसूस करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका पंप को हटाना है, अपने हाथ के ऊपर 1, 2, 3 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लेना है। उसके बाद अपने हाथों के बीच में से रफ करना है एंड पूरे फेस पे और नेक पे इसको जो लगाना है। आप इसको कहीं और भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कमी हाथों पे या फिर आपकी लेग पे कहीं इरिटेशन वगैरह हो रही होती है या फिर सनबर्न वगैरह हो गया होता है या फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, उस जगह पे भी आप इसको प्रॉब्लमेटिक एरिया जो होते हैं वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं।
अगर दोस्तों मैं इसे यूज़ करने की बात करूं तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, 2 से 3 ड्रॉप लेनी है आपको अपने फेस पे, नेक पे लगाना है, और अगर आपको कहीं और प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर मॉर्निंग की बात करूँ तो विटामिन सी सीरम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप लगाएंगे इसको। इसके बाद जो है आप सनस्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं, तो अर्थ रिदम की सनस्क्रीन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, उसका भी रिव्यू मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी, तो वो जो है आपके लिए वर्क कर सकती है अच्छे से, आप उसको भी एक बार ट्राई दे सकते हैं। तो ये जो है इसको आप तुम्हें लगाएंगे, इसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे। अगर आप बात करते हैं रात की, तो रात में अगर आप रेटिनॉल ऑयल जो है या रेटिनॉल सीरम जो है वो यूज़ करते हैं तो उसको लगाने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये फाइटो जेल जो है काफ़ी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है, लगाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लगाते से ही जो है डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे। अगर गर्मियों में आप लगाएंगे तो आप कहेंगे हाँ पूजा आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया, जो हमारा एक होली ग्रेन प्रोडक्ट जो है बन रहा है इन गर्मियों में। ये जो है आपको एक काम में इफेक्ट देता है और काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके ऊपर कोई भी ग्रीसीनेस या हैवीनेस नहीं देता है, क्योंकि एक जेल कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट है जो एकदम वॉटरी हो जाता है जब आप अपने फेस पे इसको लगाते हैं, तो ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और कहीं पर भी कोई ग्रीसीनेस नहीं देता है। एक्ने इशूज जो होते हैं उनको भी रिजॉल्व करता है और साथ ही साथ आपको एकदम फ्रेश फील देता है। तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, और गर्मियों के लिए तो ये एक आपका लाइफ सेविंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक ट्राई जो है इसको दे सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उनको भी मिलती रहे।